मैं करन जा रही हूं घर विच घर ही ए मेकअप पार्टी मेकअप करन लगी हूं ते मैं तुम्हें दस दी हूं कि पार्टी मेकअप किद्दा करना ते मेरे को देखो सामान पिया है मैं रखा हुआ हूं मैं तुम्हें पार्टी मेकअप करना दसांगी मैं खुद किद्दा तैयार होवांगी फास्ट सैलून दे नालो चलो पहले मैं ये लगाऊंगी मॉइस्चराइजर कंसील ओ कर दिया है मॉइस्चराइजर टोनर ते और चीज लगाऊंगी चलता एग्जॉर्ब कर लाऊंगी क्रीम नू और मैं लगावांगी प्राइमर जरा इन्होंने मेकअप थोड़ा फिक्स रहा प्राइमर यूज करांगी थोड़ा हल्का हल्का आईज के नीचे मैं हूं करांगी विटामिन सी का सीरम अपने फेस के लिए हल्का हल्का आईज के नीचे नोज जरिया मतलब कि इधर जो ड्राइनेस होंगी थोड़ी दूर हो जाएगी क्योंकि जो अं कोई भी क्रीम वगैरह बनाई मेरी थोड़ी स्किन ड्राई ड्राई वाली है तो मैं इन्हें थोड़ी स्किन जी ऑयली हो जाएगी इन हल्का हल्का जहाँ इदा इदा करना ज्यादा नहीं मैं तो फिर कहते फाउंडेशन यूज करन लगी हाँ पहले मैं आईज मेकअप शुरू करांगी मैं थोड़ा फेस लगा लूँ आईज पर फिंगर के नाल ही डैप डैप करके लगा लो क्योंकि ना ज्यादा एग्जर्ब हो जाता है तो मैं फिंगर्स के नाल लगा लगी हाँ आई मेकअप के लिए फेस पाउडर लगावगी आईज से फेस पाउडर के नाल थोड़े जी जरा फाउंडेशन है एग्जर्ब हो जाता है ऑयली नहीं होता फेस पाउडर लगा लिया लैकमी का मैं अपनी स्किन टोनिंग के नाल हूँ मैं करांगी आईज मेकअप स्टार्ट और मैं कलर चुनांगी अपनी ड्रेस अकॉर्डिंग मेरी ड्रेस मजेंटा है मजेंटा कलर ये रहा लिया अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग क्योंकि मजेंटा कलर ज्यादा है तो मैं मजेंटा कलर नू ज्यादा चकांगी मजेंटा कलर के नाल ही ज्यादा फेस आएगा और ये कलर है एक गोल्डन तो मैं आईज जी मिटको फ्रंट तो और मैं कलर लवानगी गोल्डन और हल्की जी शाइन देवगी मैं वाइट कलर की और तुम मैं फिनिशिंग से दसदी हाँ मैं चकांगी हल्का जहा गोल्डन कलर फ्रंट तो मिक्स मैच करांगी इहदे नाल तां जो दो दो शाइन वाले कलर आ जाए और दूसरा ना नजर आए ये देख सकते हो ये वाले चोरे वाले कितना फर्क है नाइट मेकअप है पार्टी मेकअप ये फिर थोड़ा जहा डार्क ही अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग से थोड़ा लगता अगर डे का फंक्शन हों फिर मैं जो आईज मेकअप थोड़ा सिंपल कर लेना सी लेकिन ये नाइट का लाइटिंग के नाल तुहानू पता है कि डार्क मेकअप अच्छा लगता है इस करके मैं थोड़ी जी आईज नू ज़्यादा हाईलाइट करांगी तुहानू पता है कि आईज के नाल ही थोड़ा फेस अच्छा लगता है थोड़ी जी हाईलाइटिंग दूंगी इतने इस एरिया से थ्रेडिंग के नीचे वाली आईबॉल देते हैं थोड़ा जी इस चीज़ को हाईलाइट करांगी फिर मेकअप इस एरिया में थोड़ा लाइट लाइट शेड च दवांगी और मैं दवांगी हल्का शाइन वाला वाइट कलर च इहदे च ये मैं देख सकते हो यूज करते पे हैं जिन्होंने ब्लशर भी बोल देंगे हाईलाइटर बोल देंगे शाइन वाला
ओरे चे वाइट कलर यूज करती पई हूँ मैं। देखो अपने थ्रेडिंग नू थोड़ा हाईलाइट करांगी। ये रहा मेरे को थ्रेडिंग के कलर। मेरी जड़ी आँख है देखो थ्रेडिंग भी दे सकते हो मेरी ये वाली और ये वाली। और मैं इन्हू थोड़ा जा डार्क कलर देखो कि मेरे फ्रंट वाले जड़े हेयर है वो थोड़े लाइट है। और मैं इन्हू हल्का जा कलर दूंगी ज़्यादा नहीं लेकिन इन मैं कलर देता है फ्रंट तो देख सकते हो आग है। शैडो पैलेट ये वाली यूज की थी ये कलर यूज किया मैं और ये कलर यूज किया मैं और ये यार मैं अपने वाले हाइड किए थे। और जेडे मैं आईब्रोज किया नाइलो का किया वाला माइलो का यूज किया है। हूँ मैं करांगी इस टाइम के बाद आईलाइनर यूज करांगी ये वाला मैं किया है ग्लैमको का। देखो मेरा लाइनर लाइनर लग चुका है आईज मेकअप हो चुका है। इनमें थोड़ी सी फिनिशिंग लास्ट तो दवांगी थोड़े थोड़ा। मैं देखो मेबलिन का यूज करने लगी है मैं मस्कारा। हम आईलैश लगानी है लेकिन मैं इन्हू पहला थोड़ा जो कर लगी ता जो एरी सुक सके और मेरी साफ है एक कपड़ा। और मैं नीचे नीचे वाला एरिया साफ करा कि जी डस्टिंग है मेरे ऊपर वाले की और डिग चुकी थी तुम पता है लशिश मेकअप का रिमूवर जोड़ा वा ये मैं माइलो का मेरा मैं ये अपना ये वाला नीचे जोड़ा पैर गया इन साफ करा। देखो जरा मेकअप जल्दी ना साफ होता फैलता नहीं है कुछ भी ऐदा ही। हाँ मैं करांगी बेस यूज और मैं 925 वाली यूज करांगी पहला फाउंडेशन स्किन टोन दे सामने डैब डैब करके तो लगा लो नोज एरिया दे इधर रखे मैं अपने हैंड के नाल ही करांगी इनू। अगर थोड़े को फॉर्म है तुसी वो भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं ये अपने हाथ के नाल थोड़ा वधिया लगता है जल्दी एग्जॉर्ब हो जाता उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता। पाउडर में देखो मेरी स्किन कलर नैचुरल ही आता पाया ये मैं तो लगावगी थोड़ा स्वेट आ जाता थोड़ा जो फाउंडेशन है फिक्स हो जाता है। कंटोरिंग की हल्की जी
ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਹੈ ਨੈਕ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੀਚਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੀਚਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕੰਟੋਰਿੰਗ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਿਪਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਿਪਸ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਲੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸਲੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਵੈਸਲੀਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਲਿਪ ਸ਼ੇਪ, ਲਿਪ ਸ਼ੇਪ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ 10-10 ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਲਿਪ ਸ਼ੇਪ ਦੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਮਜੰਟਾ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਖੋ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਬਲਿਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਕਲਰ। ਲਗਾ ਲਗੇ ਆਈਲੈਸ਼ਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਈਲੈਸ਼ਿਸ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾ ਲਈ ਆਈਲੈਸ਼ਿਸ, ਦੇਖੋ ਆਈਸ ਮੇਕਅਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਾ ਲਗੇ ਕਾਜਲ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਈਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।